अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लांका क्लासेस। सो कैसे मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स? एनर्जेटिक, पम्प्ड अप, फीलिंग ग्रेट, शाबाश। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। वो ये है कि कल मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ने कॉल किया जो MBBS कर रहे हैं इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और वो मुझे बता रहे थे कि आरिफ, हमने कल आपका वीडियो देखा हुआ था और उसमें आप जब कोलन के रिलेटेड बात कर रहे थे, आपने उसमें कहा कि जो हमारा डिसेंडिंग कोलन है दैट विल अल्टीमेटली गेट ओपन इन टू योर रेक्टम। तो वो मुझे बता रहे थे कि ये बात आपने सही नहीं कही हुई है, इट्स बेसिकली द सिग्माइड कोलन विच विल अल्टीमेटली गेट ओपन इन टू योर रेक्टम। बट बेटा, पूरा यहाँ पर कंसेंट्रेट कर लेना मेरी, और पूरा कंसेंट्रेट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके नीट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया रिलेटेड टू कौन सा पार्ट ऑफ कोलन विल अल्टीमेटली ओपन इनटू योर रेक्टम, वहां पर आप वही लिखोगे जो मैंने बताया, क्योंकि जो बात मैंने कही हुई है गाइडेंट भी वही कह रहा है। एंड जो अल्टीमेटली जो सबसे वो वाली किताब जब कल आप क्लेम कर सकते हो, दैट्स योर NCERT किताब, और उस NCERT किताब में भी लिखा हुआ है, NCERT बुक जहां पर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है पेज नंबर 3 के, उसके वहां पर लिखा हुआ है, और आई थिंक इट्स द लाइन नंबर 24 और लाइन नंबर 25 है उस पेज की, वहां पर पूरा लिखा हुआ हुआ है कि मैं आपको पिक भी सेंड कर सकता हूँ कमेंट सेक्शन में, वहां पर लिखा हुआ है कि इट इज द डिसेंडिंग कोलन विच विल अल्टीमेटली गेट ओपन इन टू योर रेक्टम। सो बेटा, जो बात मैंने कही और बात मेरी वो गाइडेन की बात होती है, गाइडेन की बात कभी भी गलत नहीं होगी, बट फिर भी आपको उतना भरोसा गाइडेन पर नहीं करना है जितना भरोसा आपको अपनी NCERT बुक पर करना है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको इसी क्वेश्चन पर, अगर आपको आगे जाकर चैलेंजेस फेस करने, इस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको आगे जाकर बात करनी है, तब आपकी NCERT किताब जो है वो वैलिड है। ठीक है, NCERT पर भी यही लिखा है जो मैंने कल गाइडेंस का बताया, दैट इट्स अल्टीमेटली योर डिसेंडिंग कोलन विच विल ओपन इनटू योर रेक्टम। ठीक है, NCERT पर भी यही लिखी है, बट फ्रेंड्स मुझे बता रहे थे, MBBS स्टूडेंट्स बता रहे थे कि ये डिसेंडिंग कोलन नहीं, इट्स द सिग्माइड कोलन। हाँ, इतना मैं बता सकता हूँ कि सिग्माइड कोलन जो है डिसेंडिंग कोलन उसके साथ अटैच होता है, बट यही आप लिखोगे इट्स नॉट अ सिग्माइड कोलन, इट इज द डिसेंडिंग कोलन विच विल अल्टीमेटली ओपन। बेसिकली पता है कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये होती है कि जो सिग्माइड कोलन है हमको लगता है कि वो लास्ट पार्ट ऑफ, क्योंकि डिसेंडिंग कोलन के बाद आता है सिग्माइड कोलन। सो हम बताते हैं कि इट इज द बेसिकली सिग्माइड कोलन इज अ पार्ट ऑफ द डिसेंडिंग कोलन, बट व्हाट यू विल राइट इन योर एग्जाम्स, इट इज द डिसेंडिंग कोलन विच विल अल्टीमेटली ओपन इन टू योर रेक्टम। गाइडेंस भी यही बता रहा है, यही आपकी NCERT बुक भी बता रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करें आप स्टार्ट आज का लेक्चर, शाबाश। आज का लेक्चर है रिलेटेड टू युवा लिवर, सॉरी, आज का लेक्चर है रिलेटेड टू युवा। एक तो हम इसमें कंप्लीट आज करेंगे, आपका लिवर भी करेंगे कंप्लीट, इसमें मैं गॉल ब्लेडर भी आपका कंप्लीट करूंगा, इसी के साथ हुआ हमारा एलिमेंट्री कैनाल भी कंप्लीट हो जाएगा, एसेसरी ग्लैंड्स भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, रहा फिर हमारा इसमें बायोकेमिकल मेथड्स एंड मैकेनिकल मेथड्स फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, उसका एक लेक्चर या दो लेक्चर्स, और एक लेक्चर रहा जो डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो खत्म हो जाएगा हमारा ये टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो पूरा आप रहिए पम्प्ड अप। हाँ, इंशाल्लाह जो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो सारा आप पूरा पैन डाउन कीजिए, और एग्जाम में भी इंशाल्लाह आपको यही सब कुछ आ जाएगा, इतनी सफिशिएंट नॉलेज जितनी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। शाबाश। तो आज का लेक्चर है रिलेटेड टू लिवर। सो लिवर बेटा, स्टेटमेंट में आपको ऑरली बताऊंगा, बट जो मेन पॉइंट है वो मैं यहां पर लिखूंगा ताकि आपका टाइम इसे बच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी गुड, शाबाश। तो लिवर स्टार्ट कर लेंगे हम। जब हम लिवर की बात करते हैं, पहली बात ये है, इंपॉर्टेंट बात है लिवर के रिलेटेड, कि लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। व्हाट इज द लिवर? इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, लिखिए आपने ये बात। दूसरी बात, जो ये लिवर होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड, और सेकेंड कौन सा है लार्जेस्ट ग्लैंड, जो कल ही बताया, इट द पैनक्रियास। लिवर को हम दूसरा नाम भी देते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज हेपर। मैं लिखूंगा यहां पर, योर लिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेपर। तो क्या रिपीट कर लूंगा मैं, एक तो जो हमारा ये लिवर है इट्स द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज हेपर। बेटा थर्ड पॉइंट, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द लिवर आर टू बी कॉल्ड एज हिपैटिक लॉब्यूल्स, उनको हम हिपैटिक लॉब्यूल्स कहते हैं। शाबाश, उनको हम हिपैटिक लॉब्यूल्स कहते हैं।
जो ये हिपेटिक लॉब्यूल्स होते हैं, ये हेक्सागोनल होते हैं स्ट्रक्चर में, दे आर हेक्सागोनल इन स्ट्रक्चर। बनाया मैंने यहाँ पर हिपेटिक लॉब्यूल्स, दीज आर द सब स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द, दीज आर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द लिवर, ये हेक्सागोनल होते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। इनके सेंटर में होता है व्हाट इज टू बी कॉल्ड एज सेंट्रल वेन्यूल, इनके सेंटर में होता है व्हाट इज टू बी कॉल्ड एज सेंट्रल वेन्यूल। जो ये सेंट्रल वेन्यूल होता है, इसके साथ सेल्स ऑफ द लिवर जो होती है वो अटैच्ड होती है, वो मैं यहाँ पर डायग्राम में भी आपको दिखाऊंगा। ये सेल्स ऑफ द लिवर इसके साथ अटैच होती है, और उन सेल्स ऑफ द लिवर आर टू बी कॉल्ड एज हिपेटोसाइट्स, उनको हम नाम देते हैं एज हिपेटोसाइट्स। बेटा स्पेलिंग देख लेना किताब से, बट कंसेप्ट वो पूरा ठीक है यहाँ पर, ठीक है। हिपेटोसाइट्स, उनको हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं बेटा, ठीक है। जो हिपेटोसाइट्स होते हैं वही अटैच होते हैं सेंट्रल वेन्यूल के साथ। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात इसके रिलेटेड, वो ये है कि जो लिवर होते हैं, एक तो इसमें सेल्स होते हैं दैट वुड बी कॉल्ड हेपेटोसाइट्स, और तो इसमें फैगोसाइटिक सेल्स होती है। क्या होती है? फैगोसाइटिक सेल्स इसमें होती है, फैगोसाइटिक सेल्स। जो जो ये जो फैगोसाइटिक सेल्स होती है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कफर सेल्स, इनको हम कफर सेल्स कहते हैं, KUPFFER, कफर सेल्स। इनका रोल क्या होता है? आ सकता है पहले नीट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, बेटा बताइए व्हाट आर द फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ द लिवर कॉल्ड एज, दैट आर टू बी कॉल्ड एज कफर सेल्स। दूसरी बात, एज द वर्ड सजेस्ट, फैगो मतलब जो आपके ये किल करता है, किनको किल करता है? जो माइक्रोब्स होते हैं। क्यों करेगा इनको किल? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अवर बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन, तो उसके लिए हमको लग जाते हैं यही फैगोसाइटिक सेल्स, जिनको हम दूसरा नाम भी देते हैं एज कफर सेल्स, ठीक है बेटा जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और बहुत ही आसान भी है, बहुत ही आसान मैंने आपके लिए यहाँ पर ये बना दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब जो हमारे पास ये लिवर जो होता है, इस लिवर में हमारे पास टू डक्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन से, जो लिवर होता है इसमें टू लोब्स होते हैं, एक तो राइट लोब होता है और तो लेफ्ट लोब होता है। जो ये राइट लोब और लेफ्ट लोब जो होते हैं, डेटा दे आर टू बी सेपरेटेड बाई फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, आ सकता है आपके एग्जाम में फैल्सिफॉर्म लिगामेंट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में नीट के। बेटा बताइए जी, जो ये राइट लोब ऑफ द लिवर और लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर है, आपस में ये कैसे सेपरेट है? आपका आंसर क्या होगा? दे आर टू बी सेपरेटेड बाई फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है बेटा। और जो आपका, अब ये राइट डक्ट है, जो आपका राइट डक्ट और लेफ्ट डक्ट है लिवर का, दे विल अल्टीमेटली ओपन इन टू वट इज टू बी कॉल्ड एज कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये अल्टीमेटली ओपन कर लेंगे इनटू योर कॉमन हिपेटिक डक्ट, ठीक है बेटा। और जो हमारे पास ये कॉमन हिपेटिक डक्ट होता है, और इसके बाद जो मैं आपको पढ़ा लूंगा गॉल ब्लैडर के रिलेटेड, बट बाद में यहां बताऊंगा क्योंकि वो मुझे यहाँ पर जरूरी कहनी है, वो ये है कि गॉल ब्लैडर के साथ जो डक्ट अटैच होता है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट। वो जो सिस्टिक डक्ट और जब ये कॉमन हिपेटिक डक्ट आपस में मिलते हैं, दे विल द ओपन, जो ये सिस्टिक डक्ट है और जो ये कॉमन हिपेटिक डक्ट है, जब ये मिलेंगे दे विल ओपन इन टू, किस में ओपन करेंगे? दैट इज टू बी कॉल्ड एज योर बाइल डक्ट, दैट इज टू बी कॉल्ड योर बाइल डक्ट। शाबाश बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है गॉल ब्लैडर के का जो डक्ट होता है, जो अटैच होता है, उसको क्या हम कहते हैं? इट्स बी कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट। और वो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट मिलते हैं आपस में, और अल्टीमेटली दे विल ओपन इनटू योर बाइल डक्ट। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट काम लिवर की? वो वही है, बाइल जूस को सेक्रेट करना, क्योंकि जो हमारा बाइल जूस होता है, कहाँ से वो अल्टीमेटली हम बनता है? वो बन जाता है इसी लिवर में, वो बन जाता है। और पहुंचता किधर है? पहले गॉल ब्लेडर में, जो आपको मैं गॉल ब्लेडर में सारा वो मैकेनिज्म वहां पर बता लूंगा। इसके बाद भी इस लिवर के रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन होगा, कुछ भी होगा, अब वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थोड़ा रिकैप कर लूंगा जल्दी जल्दी। तो लिवर जो है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड एज द हेपर। अच्छा, इसमें जो
स्ट्रक्चर अंदर फंक्शनल यूनिट से दैट आर वी कॉल एज द हिपैटिक लॉब्यूल्स. अच्छा हिपैटिक लॉब्यूल्स जो बी हेक्सागोनल इन द स्ट्रक्चर, इनके सेंटर में व्हाट दैट्स टू बी कॉल्ड एज सेंट्रल वेन्यूल. और इनके साथ जो अटैच होते हैं दैट टू बी दैट आर द हिपैटोसाइट्स दैट इज द सेल्स ऑफ द लिवर जो होती है. फैगोसाइटिक सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज द कफर सेल्स. हाँ, जो माइक्रोब्स को किल करते हैं. इसमें दो लोब्स होते हैं, मेजर लोब और माइनर लोब, या राइट लोब और लेफ्ट लोब होता है. जो राइट लोब और लेफ्ट लोब होता है बाय द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट वो सेपरेट होते हैं. जो हमारा राइट लोब है और जो हमारा राइट डक्ट और लेफ्ट डक्ट और जो हमारा राइट डक्ट और लेफ्ट डक्ट होता है वो अल्टीमेटली जब ओपन किसमें करेगा वो दैट्स वी कॉल्ड एज कॉमन हिपैटिक डक्ट एंड इट इज द कॉमन हिपैटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट. वो मैं लिखूंगा यहाँ पर, वो तो मुझे वहां पर बताना है, फिर भी मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लस सिस्टिक डक्ट जो होता है that will ultimately open into your bile duct. Sir, this cystic duct कौन सा duct है? A cystic duct that is to be attached to your gallbladder. अभी मैं आपको gallbladder में ये सारा कुछ clear कर लूँगा. कुछ भी confusion होगा comment section में बता लेना. So बेटा अब हम बात करेंगे related to your cystic. अब हम बात करेंगे related to your. तो बेटा अब हम बात करेंगे हम related to the gallbladder. आपको बात करनी है रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर. पूरा कंसंट्रेट कर लेना. जो ये गॉल ब्लैडर होता है इट्स अ पियर शेप्ड स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है एट द डिप्रेशन, जो प्रेजेंट होता है एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ योर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ योर लिवर. जो जैसे जो लिवर होता है आपका, जो उसका पोस्टीरियर एंड होता है, नीचे वाला एंड होता है उसका, उसके नीचे ये गॉल ब्लैडर उसके डिप्रेशन में उसके नीचे ये प्रेजेंट होता है. कौन प्रेजेंट होता है? आपका जो गॉल ब्लैडर होता है. इस गॉल ब्लैडर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? वो ये है कि जो हमारा लिवर होता है वो क्या करता है, वो बाइल जूस को बना लेता है. गॉल ब्लैडर का काम होता है उस बाइल जूस से पानी को एब्जॉर्ब करना, कि वहां पर इसको एक कंसेंट्रेटेड बाइल जूस बना देता है, पानी इसको एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को, और अल्टीमेटली वही कंसेंट्रेटेड बाइल जूस थ्रू योर हेपेटिक पैनक्रियाटिक एम्पुला से, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पुला ऑफ द वेटर, वहां से चला जाता है एंड अल्टीमेटली आपके डियोडेना में चला जाता है. बट काम क्या होता है उसका? इन योर इमल्सिफिकेशन ऑफ योर फैट्स, दैट इज वो आपके फैट जो है वो डाइजेस्ट कर देता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू योर नीट एग्जाम. वहां क्वेश्चन आएगा कौन सा हार्मोन है जो ट्रिगर करता है इस गॉल ब्लैडर को टू कंट्रैक्ट होने में, और वहां फिर ये सेक्रेट करता है योर कंसंट्रेटेड बाइल जूस. दैट हार्मोन इज सिस्टोकाइनिन हार्मोन. दैट हार्मोन इज सिस्टोकाइनिन हार्मोन. बेटा स्पेलिंग देख लेना, इस हार्मोन को हम बोलते हैं सिस्टोकाइनिन हार्मोन. इज द हार्मोन दैट विल ट्रिगर योर किडनी, दैट विल ट्रिगर योर गॉल ब्लैडर टू कंट्रैक्ट, ताकि वहां से कंसंट्रेटेड बाइल जूस हमको निकले. है वो बाइल जूस जो होता है इट विल देन गो थ्रू योर हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला कॉल्ड एज द एम्पुला ऑफ द वेटर आल्सो एंड विल अल्टीमेटली रीच योर ड्यूडेनम. काम है इसका इमल्सिफाई करना फैट्स को डाइजेस्ट करना. अब क्या है मेडिकल टर्म रिलेटेड टू दिस गॉल ब्लैडर? बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर जानना है वो ये चीज है, कुछ टर्म्स है यहां पर. अगर किसी पेशेंट में खुदा ना खास्ता स्टोन्स डेवलप हो जाते हैं उसको इन हिज गॉल ब्लैडर, ठीक है, स्टोन्स वहां पर डेवलप हो जाते हैं, दो स्टोन्स आर टू बी कॉल्ड एज बिलियरी कैलकुलाई. उनको हम नाम देते हैं एज बिलियरी कैलकुलाई. जो स्टोन्स होते हैं ऑफ यूर गॉल ब्लेडर दैट आर टू बी कॉल्ड एज बिलियरी कैलकुलाई एंड द फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन्स इन यूर गॉल ब्लेडर इज टू बी कॉल्ड एज कोलियोलिथियसिस. दैट इज टू बी कॉल्ड एज कोलियोलिथियसिस. व्हाट इज कोलियोलिथियसिस? अब नीट क्या देखो, नीट में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर इज टू बी कॉल्ड एज, बहुत सारे ऑप्शन होंगे बट योर करेक्ट आंसर विल बी कोलियोलिथियसिस. स्पेलिंग आप देख सकते हो कोलियोलिथियसिस. और उन स्टोन्स को हम क्या नाम देते हैं? उनको हम नाम देते हैं बिलियरी कैलकुलाई. और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि अगर डॉक्टर को लगे ना जी भाई आपका जो गॉल ब्लैडर है वो निकालना ही जरूरी है, वो निकालना पड़ेगा, देन द सर्जिकल रिमूवल ऑफ योर गॉल ब्लैडर इज टू बी कॉल्ड एज कोलो देन द सॉरी देन द सर्जिकल रिमूवल ऑफ योर गॉल ब्लैडर इज टू बी कॉल्ड एज कोले सिस्टेक्टॉमी. हम उसको कहते हैं
क्या कहते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ योर गॉल ब्लैडर इज टू बी कॉल्ड एज कोलेसिस्टेक्टॉमी। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थे रिलेटेड टू दिस। अब बेटा जिसमें गॉल ब्लैडर निकालते हैं, फिर क्या उसको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि बेटा आप जो फैट फैट जिसमें जो वो ऐसा फूड जिसमें फैट ज्यादा हो वो आप नहीं खा लेना, आप ऐसे फूड्स खा लेना जिसमें फैट कम होता है। क्यों? क्योंकि अब इसमें गॉल ब्लैडर तो नहीं है, लिवर है इसके पास, लिवर तो उसको बना लेगा, अगर वो उसका काम ही है बाइल जिसको सेक्रेट करना, बट देयर विल बी नो कंसेंट्रेटेड बाइल जूस इन हिज बॉडी जो इमल्सिफाई करे फैट्स को। इसलिए उसको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है विद दोज पेशेंट्स के जो फैट कंज्यूमिंग फूड है वो आप ज्यादा ना खाए, ऐसा फूड खाए जिसमें फैट बहुत ही कम क्वांटिटी में हो बेटा जी। ठीक है, सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द गॉल ब्लेडर एंड द लिवर। इसके बाद भी कोई भी कंफ्यूजन आपको हो, कोई भी कंफ्यूजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट बेटा जो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने एक इंपॉर्टेंट बात कही वो प्लीज याद रख लेना, वो यही है कि जो हमारा डिसेंडिंग कोलन है इट विल अल्टीमेटली ओपन इन टू योर रेक्टम, इट्स नॉट द सिग्मॉइड कोलन बिकॉज दिस इज रिटन इन योर गाइटन एंड हॉल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट दिस इज रिटन इन योर एनसीईआरटी क्योंकि दुनिया की एक वाहिद किताब जो फिर आप आगे बात कर सकते हो उस पर, उसके बलबूते पर आप कोर्ट में भी बात कर सकते हो, आप कहीं पर भी बात कर सकते हो, दैट इज योर एनसीईआरटी बुक। वहां पर लिखा हुआ है इट इज द डिसेंडिंग कोलन विच विल अल्टीमेटली ओपन इन टू योर रेक्टम। इसके बाद भी कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।